हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाइन्थ क्लास सीबीएसई सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। Find the probability that a student obtain less than 20% in the mathematics test. First part और second part है, find the probability that a student obtain mark 60 and above. तो इस question को solve करने के लिए हमें chapter 14 की एक table है 14.7, उसको देखना होगा। तो आइए chapter 14 पर चलते हैं। ये पेज नंबर है आपका 251। पेज नंबर देखिए भाई, 251 पर है, एग्जांपल नंबर 7। इसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। एग्जांपल नंबर जो 7 है उसकी ये टेबल है। ए टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। Looking at their performance, she found that a few student got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into interval of varying size of photo. तो देखिए यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट में जिन बच्चों ने जो नंबर ऑब्टेन किए उन नंबर्स को यहाँ पर शो कर दिया गया। देखिए क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ये टेबल है, इधर मार्क्स लिखे हुए, इसको मैं इधर बना देता हूँ। मार्क्स और इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए मार्क्स 0 से 20, जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 20 के बीच में आए उनकी जो संख्या है वो है 7। जिन बच्चों के मार्क 0 से 20 के बीच में आए उनकी संख्या 7 है, जिनके 20 से और 30 के बीच में आए उनकी संख्या 10 है, 30 से 40 के बीच में जिनके मार्क्स आए उन स्टूडेंट्स की संख्या भी 10 है, 40 से 50 उन स्टूडेंट की संख्या 20 है और 50 से 60 उन स्टूडेंट की संख्या भी 20 है, 60 से 70 उन स्टूडेंट की संख्या 15 है और 70 एंड अबव, 70 और उससे जो ऊपर नंबर आए उनकी संख्या 8 है। तो टोटल जो बचे हुए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 90। तो ये हमारे पास में एक टेबल है जिसको बीच में 14.7 के नाम से दे रखा है। अब इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है वो, इस टेबल में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स। 20% लेस देन मतलब जिन बच्चों के मार्क्स 20% से कम आए हैं। देखिए ये मार्क्स है आपको 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से 40 एंड अबव। ये जो मार्क्स आए ये 100 में से है, तो 100 में से जो मार्क्स दिए गए इनमें आपको बताना है कि उन बच्चों की संख्या
जिनके मास 20 से कम है, लेस देन 20%। तो लेस देन 20% जो मास है वो इस क्लास इंटरवल में रहेंगे, लेस देन 20 यानी कि 0 से 20। तो 0 इंक्लूड है, सॉरी 1, 2, 3 अप टू 19, 20 नहीं होगा, 20 सेकंड क्लास इंटरवल में काउंट होगा। तो 0 से 20 के बीच में, तो ये लेस देन 20 मास हो गए। तो 0 से 20 के बीच में जो मास है लेस देन 20, उन स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 7 है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 90 हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट लेस देन 20% मास इक्वल टू 7/90। तो आपका 20% से जो कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या 7 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 90 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 7/90। क्लियर हो? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 90। ये इन सब का अगर हम सम करेंगे तो देखिए 10, 20, 20, 40, 60, 60 और 15, 75, 75 और 83 और 7, 90। तो इस प्रकार से 90 स्टूडेंट हो गए। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 90। अब इसके बाद में जिन बच्चों ने 20% से कम मार्क्स ऑब्टेन किए उनकी संख्या है 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गैट लेस देन, गैट लेस देन 20% मार्क्स, 20% से जिन्होंने कम मार्क्स प्राप्त किए उनकी संख्या कितनी है अकॉर्डिंग दिस टेबल, 7। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हो भैया, ये फर्स्ट पार्ट। तो अब इन स्टूडेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी जिन्होंने 20% से कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/90। तो क्या लिखेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट स्टूडेंट गैट लेस देन 20% मार्क्स, गैट 20% मार्क्स कितना हो जाएगा, 7/90। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट में है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनके मार्क्स 60 या 60 से अबव आए। तो देखिए इस टेबल को ऑब्जर्व करिए, जिन बच्चों के मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा है उनकी संख्या काउंट करके बताइए कितनी होगी। 60 या 60 से ज्यादा जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए आपका 60 से 70 के बीच में, तो 60 से और 70 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, वो स्टूडेंट कितने भाई, 50। तो ये जो क्लास इंटरवल क्या कह रहा है, 60 से 70 के बीच में यानी कि 60 से और 69 तक जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उनकी संख्या 15 है,
और 70 से अबव कितने हैं? 8 हैं। इसका मतलब 70 से अबव और 60 से 70 के बीच 50, तो ये सभी स्टूडेंट आपके 60 से ऊपर के हो गए, यानी कि 15 स्टूडेंट ये और 8 स्टूडेंट ये, तो टोटल कितने हुए? 23। तो ये 23 स्टूडेंट वो है जिनके मार्क्स आपके 60 या 60 से ज्यादा है, क्योंकि 60 वाले इस वाले के साथ इंटरवल में काउंट हो जाएंगे 15, और 60 से ज्यादा यानी कि 70 एंड अबव तो 60 से ज्यादा ही है, वो इसमें आ जाएंगे। तो मोर देन 60 वाले 8 है और 60 से जो अबव है वो 15 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15 और 8 23। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 23/9। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60 and 60 or above, 60 or above mark, कितना है भाई? 15 + 8 = 23। 15 + 8 = 23। Number of students who obtain 60 or above, 60 या इससे ज्यादा जो मार्क्स आए हैं उनकी संख्या 23 है और टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं? 90 हैं। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60 और अबव मार्क्स, स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 60 और अबव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 23/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड, द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। ओपिनियन लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट 135 और डिसलाइक 65। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूज एट रेंडम लाइक स्टैटिक्स एंड डज नॉट लाइक स्टैटिक्स। देखिए भाई, एक टेबल है और ये टेबल किस चीज की है? कि एक सर्वे किया गया है एक ओपिनियन देने के लिए, एक राय देने के लिए कि कितने बच्चे हैं जो स्टैटिक्स को लाइक करते हैं यानी कि पसंद करते हैं और कितने बच्चे हैं जो डिसलाइक करते हैं। तो एक सर्वे में पाया गया, 200 स्टूडेंट का एक सर्वे किया और उसमें ये आपको डेटा प्राप्त हुए। तो ओपिनियन ओपिनियन नाइक एंड डिसनाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट Thank you.
तो नाई कितना ने किया 135 और डिसनाई कितना ने किया 65। टोटल कितने स्टूडेंट थे भैया 200। टोटल 200 स्टूडेंट्स ने, जिनमें से 135 ने तो स्टैटिक्स को नाई किया और 65 ने क्या किया डिसनाई किया। एक सर्वे किया गया जिसमें 200 स्टूडेंटों की ओपिनियन मांगी गई, यानी कि संदहा राय मांगी गई, और जिसमें बताया कि 135 बच्चे ऐसे थे उनमें से 200 में से जो स्टैटिक्स को पसंद करते हैं और 65 है जो पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम नाइक स्टैटिक्स। तो नाइक कितने का थे 135 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200, तो 135 अपॉन 200, और डिसनाई करने वालों की प्रोबेबिलिटी 65 अपॉन 200। तो देखिए सॉल्यूशन करो इसका, फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट एलिजिबल टू कितने 200। इसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट टू लाइक स्टैटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टैटिक्स एलिजिबल टू कितने हुए 135। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइक स्टैटिक्स कितने होंगे भाई 135, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम नाइक स्टैटिक्स 135 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200। अब इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये 5 से कैंसिल हो जाए, तो 5 से करेंगे तो भाई 5 10 3 बच जाएंगे, और 5 7 35, और 5 4 20 तो 27/40 आ जाएगा। और सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट लाइक स्टैटिक्स, डज नॉट लाइक स्टैटिक्स इक्वल टू कितना होगा 65/200। कैंसिल करेंगे 5 से तो 13/40। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप इनको ट्राई करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप पूछते रहिए। तो यहाँ से आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। So thank you and thank you very much.